हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि निमराणा के बारे में सभी डिटेल्स बताऊंगा। निमराणा जाने के लिए कौन कौन से स्टेशन बीच में आएंगे। निमराणा में आजकल क्या है कि प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी बूम कर रही है और विजिटर्स भी वहां पे विजिट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बाय रूट रोड के थ्रू, मैं आपको प्रॉपर स्टेशन के थ्रू मैं आपको बताता जाऊँगा। ये अभी हम दिल्ली से निकलते हैं, स्टेशन बता देता हूँ। सबसे पहले अपना ये हम धौला कुआं से निकलते हैं। धौला कुआं से निकलते ही उसके बाद में फिर अपना गुड़गांव आ जाता है। गुड़गांव के साथ में जैसे ये अभी दिखाया आपने, साइबर हब की बिल्डिंग है, ठीक है, ये दी वेस्टर्न होटल है। और ये इफको चौक पे ही जब लेफ्ट साइड में हम जाते हैं, क्राउन प्लाजा आ गया 29 का। और इसके बाद में मैं आपको और दिखा देता हूँ। अभी हम गुड़गांव के अंदर चल रहे हैं, स्टार मॉल आ गया सेक्टर 30 का। तो हम गुड़गांव में घुस गए हैं अंदर। गुड़गांव में जो राजीव चौक है, यहाँ से लेफ्ट साइड में सोना के लिए कट चला जाता है, राइट साइड में मिनी सचिवालय, मिनी सेक्रेटेरिया है। अब आ जाते हैं हम हीरो होंडा चौक पे, ऑलमोस्ट ये गुड़गांव का लास्ट है। और फिर हम आगे मानेसर टोल पे, ये यहाँ पे, यहाँ से अब मानेसर स्टार्ट हो जाता है टोल के बाद से। ये अपना KMP एक्सप्रेस वे आ गया टोल क्रॉस करने के बाद पे, जो रिंग रोड है पूरी दिल्ली का, ये बिलासपुर चौक आ गया। जैसे आप आगे जाओगे बिलासपुर चौक आ जाएगा। बिलासपुर चौक के बाद में अपना धारूहेड़ा आएगा। ये धारूहेड़ा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके बाद में बावड़ इंडस्ट्रियल एरिया आता है। देखिए इस बेल्ट पे ना काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एरिया, ये पूरा घीलोत का इंडस्ट्रियल एरिया है जो अभी कोरिया जोन के लिए डिक्लेयर किया है। इसमें भी काफ़ी सारी कंपनियां बन गई है। इसकी मैं अलग से एक वीडियो आपको बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये अपना शाहजहाँपुर का टोल आएगा, देन उसके बाद में अपने निमराणा की कंपनियां स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं निमराणा में। ये हीरो का प्लांट है। अगर आप किला देखने जाते हैं निमराणा का, तो वो भी काफ़ी अच्छा बना रखा है। और अभी इस पर टिकट लग गई है। इस पर स्विमिंग पूल, जंपिंग वगैरह, काफ़ी एडवेंचर भी करवाते हैं, तो आप जा सकते हैं। अब मैं आपको रूट रोटेट करके दिखाता हूँ। अब मैं आ गया लास्ट में आशियाना के पास, आशियाना से भी आगे पूरे नीमराणा को क्रॉस करके। अब मैं आपको वापस रूट वापस नीमराणा आपको पूरा क्रॉस करके दिखाऊंगा, स्लोली स्लोली, ठीक है जी। अब हम जो है ये गार्डन सिटी थी, गार्डन सिटी के बाद में अभी हम आए हैं जो ये अपने जो सामने दिख रहा है, ये आशियाना के फ्लैट हैं, ठीक है जी। निमराणा काफ़ी पहले से ही स्टार्ट हो गया है। मैं आपको जो मेन निमराणा है सिर्फ उसी पे फोकस बताऊंगा। यहाँ से 124 के आसपास दिल्ली पड़ेगा। ये आशियाना हो गया, ठीक है जी। ये राइट साइड में भी काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई है। और यहाँ पे एक मॉल है, NSP मॉल, उसका काम भी चल रहा है, ठीक है सर। और मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। ये लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले अपना कौन सा एक्सपोर्ट जोन है, जिसको हम बोलते हैं EPIP जोन। EPIP जोन आएगा, अभी मैं वो दिखा देता हूँ आपको। EPIP जोन ये आ गया अपना। EPIP जोन के लिए रास्ता है, जिसमें सारी एक्सपोर्ट करती है वो कंपनियाँ है इसके अंदर। इसके बाद आ जाता है जो इंडियन कंपनियां हैं उनका एक हब है वन। फिर उसके बाद इंडियन जैसे रिको इंटरनेशनल, पार्ले जी, और बहुत सारी कंपनियां हैं ग्लास की भी। और जो इंडियन सारी कंपनियां हैं वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की इस तरीके से बांट रखा है लेफ्ट साइड में पूरी की पूरी। अब जैसे जो हीरो की कंपनी आई है, ये 2 में आई है। जो इंडियन कंपनी का जो जोन है वो सेकंड जोन में हीरो की कंपनियां हैं। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, और ये निमराणा का इंडस्ट्रियल एरिया आ गया है पूरा। और राइट साइड में इंदू हॉस्पिटल और कुछ एक मार्केट डेवलप हो रही है, ठीक है जी। तो अब हम ये लेफ्ट साइड में अपना हीरो कंपनी आ गई है, ये सेकेंड फेज में है जो इंडियन जोन बना रखा है उसमें। यहाँ पे हीरो के 2 बड़े प्लांट्स हैं, ठीक है जी। ये मैं आपको हाईवे से ही इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये सब भी अभी नया बना दिया, एक प्लांट इस साइड रह गया, एक प्लांट आगे वाला है।
मैं दोनों साइड की वीडियो कवर नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली जो हीरो के बिल्कुल सामने जापानी जोन स्टार्ट हो जाता है, तो मैं दोनों साइड की वीडियो कवर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इस साइड की वीडियो मैं आपको दोनों साइड की करूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में तो एक साइड से ही आइडिया दे पाऊँगा, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा जापानी जोन की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये अपना निमराना सेंट्रल है, निमराना सेंट्रल आ गया। मैं राइट साइड में आपको दिखा देता हूँ जो जापानी जोन है उसकी कुछ एक झलक। एक्चुअली इस साइड से अच्छे से वीडियो आ नहीं पाती, ये पूरा जापानी जोन है। इसमें जितनी भी कंपनियाँ सारी जापानीज हैं। आपको डेक्कन तो दिख गई होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जापानी जोन में। NIIT यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है, NU। ये यहाँ से गेट जाता है जो जापानी जोन वन और टू के लिए जाता है। तो जैसे मैंने बताया, आप अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे एक पार्टिकुलर एरिया की, तो मैं उसकी ही वीडियो बना के आपको मैं प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।